नमस्कार दोस्तों, कोई खबर नहीं है, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। जैसा कि मैंने अभी वीडियो जस्ट रिसेंटली अपलोड किया, स्टाफ नर्स का रिजल्ट आने में होगी देरी, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बीटीसी स्टाफ नर्स का रिजल्ट जून के अंत में आया था, सिर्फ मैंने यही बातें की थी और मैंने प्रूफ के साथ मैंने बताया था कि आप इसको इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। काफी लोगों को इस बात को दुख हुई है, मैं मान सकता हूं कि उनका सेंटिमेंट है, दुख होता है, सबको दुख होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कोई भी चीज उसमें गलत नहीं बोली है। आपके साथ ये नंबर है जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसमें से चाहे तो मैं फर्स्ट वाले ऊपर वाले पर कॉन्टेक्ट किया था, चाहे तो आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जितना जरूरत आपको जॉब की है, कोई भी मेरे साथ, वैसा मेरे साथ भी कोई है, जो लोग, कुछ लोग जानते हैं कि मैं इस वीडियो को बनाने का क्या लॉजिक है, वो भी जानते हैं कि जैसे आप लोग भीड़ में हो, आप लोग कंपटीशन में हैं, वैसे वो भी कंपटीशन में है। हर शाम को जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछती है कि क्या हो जाएगा। उसकी नक जब ननी सी निगाहें मेरे को देखती है ना, तो आंख में आंसू आ जाते हैं। शायद हम लोग भूल गए कि हम लोग उस सिस्टम में रहते हैं जहां पर करप्शन जड़ में बैठा हुआ है। हम लोग ये भूल गए कि ये इंडिया है, ये बिहार है, जहां के सिस्टम इतना करप्ट है कि हम कह नहीं सकते। सच कहने की किसी के हिम्मत नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ लोग एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते हैं और गालियां देते हैं। मैं कहता हूं कि दो, लेकिन अगर मेरे बोलने से अगर 31 मई को रिजल्ट आ जाता तो मैं बहुत खुश होता कि चलो 21 मई को मेरे बोलने से रिजल्ट आ जाता। लेकिन मेरे बोलने से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, मेरे बोलने से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। यही आवाज और इतना गुस्सा बीटीएससी और बीएनआरसी पर जाकर आप निकाल दो। मैं कह रहा हूं कि 31 मई से एक दिन भी अगर ज्यादा हो गया ना, तो मेरा नाम लिखवा लेना, नहीं होगा। देखिए, जहां आवाज उठानी है ना, वहां आवाज हम नहीं उठाते हैं, लेकिन जो एक आवाज उठाता है ना, उसके आवाज को दबाने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए ना, छोड़िए सोशल मीडिया, छोड़िए यूट्यूब, छोड़िए बेड, चलिए ना धरना प्रदर्शन, हम भी देते हैं आपके सामने। है हिम्मत इतना नहीं है ना, सिर्फ एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अगर गालियां देने से अगर आपका रिजल्ट, अगर मैं बोल रहा हूं कि 31 मई को रिजल्ट आ जाएगा, लाकर दिखा दीजिए आप। जो लोग बोल रहे हैं, मैं खुश हूं उनसे कि अगर वो गालियां देकर खुश हैं कि मैं कहां से खबरें देता हूं। मैं सिर्फ कई बार बता चुका हूं कि जो खबरें हमारे पास आती है वो खबर दे रहा हूं, एक खबर है। खबर और पुष्टि में बहुत अंतर है। एक खबर है कि ऐसा है। बीटीसी के पास जाइए ना, बीएनआरसी के पास जाइए ना, उनके पास कब ने आपने कॉल करके पूछा? नहीं पूछते हो ना, सिर्फ आकर हमें गालियां देते हो। क्यों देते हो भाई? हमारे भी, हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि हमारा कोई है, और जितना दुखी आप हो ना, हो सकता है कि आपको जितना जॉब की जरूरत है, उससे ज्यादा कहीं उसको भी जॉब की जरूरत है। लेकिन मैं किसको कहने जाऊं? नहीं कह सकता ना किसी को। अगर आपके अंदर सच बताने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ कमेंट लिखते हो, कमेंट में गंदी गंदी बातियां लिखते हो, क्या इससे क्या प्रूफ हो जाएगा? क्या मैं बीटीएससी का कोई स्टाफ हूं, कोई अध्यक्ष हूं, कि सचिव हूं, क्या हूं मैं? मैं नथिंग, जस्ट लाइक कॉमन मैन, आपके जैसा हूं। बस मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि कुछ लोग मेरे को जानते हैं और मेरे से रेस्पेक्ट रखते हैं, किस टाइप का, कि सर ये कब रिजल्ट आएगा। मैंने सोचा कि यार एक मेरा परिवार है, तो क्यों नहीं मैं अपने पूरे परिवार को ये चीजें बताऊं। अगर मैं बता रहा हूं तो इसमें मैंने गलत क्या किया? अगर सच दिखाना है ना, सच बोलना है, तो बीटीएससी ऑफिस के सामने खड़े हो जाओ। 5 लोग खड़े नहीं होंगे सर, लेकिन जिस दिन 5 खड़े हो गए ना, छठवा एसटी जी उसके सामने रहेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट करने से नहीं होगा, आवाज को बुलंद रखनी पड़ेगी। सच को बोलने का हिम्मत सब में नहीं होती, और मैं जो बता रहा हूं उस पर भी आपको दुख हो रहा है। अगर आपको इस एसटीजी लगता है कि नहीं, एसटीजी अपना, कल से मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि नहीं सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि सिर्फ जो है मेरे जो जानने वाले हैं, सिर्फ उन तक खबर जाएगी, गारंटी के साथ। कोई आज से चैनल नहीं है, कोई आपको लग रहा होगा कि
कुछ कि ये चैनल नया है, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, ये चैनल पुराना है, 2.5 साल पुराना है। सिर्फ एंड सिर्फ एक मकसद के लिए मैं बीटीएससी का न्यूज दे रहा हूं, वो है कि बीटीएससी का कोई मेरा भी है, अपना भी है, मैं चाहता हूं कि ये सभी हमारे परिवार हैं, जब मैं अपने परिवार को बता सकता हूं तो उनको भी बता सकता हूं। सिर्फ एंड सिर्फ इस वजह से मैं आपको एक खबरें देता हूं, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को क्या पड़ी है। कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं, अरे प्रूफ आपने कभी इस नंबर पर कॉल करके पूछा? नहीं पूछा ना, तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट रखते हो, कोई मैं मैनेजर हूं या फिर क्या हूं मैं? मैं तो कह रहा हूं कि आपसे भी नीचे गए इंसानों में मेरा कुछ औकात नहीं है। सिर्फ ये सब चीजें बकवासबाजी बंद कीजिए, ठीक है? अगर करना है तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए कि नहीं आप वीडियो मत बनाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई खबरें मैं नहीं दूंगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, ये मैं आज से आपको लिखकर चैलेंज कर रहा हूं, बताइए। या फिर आप क्या चाहते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बनाइए। अगर सच पता करना है तो इस कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, यहां पर मैंने नंबर दे दिया है और मैं ऊपर वाले नंबर पर बात किया हूं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच।